नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ देव उठनी एकादशी पर आपको देव को कैसे उठाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा से जो सोए थे अब वो आज के दिन जाग जाते हैं और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, देव उठान बनाया जाता है, किसी कागज पे बना सकते हैं, तो दीवार पे गेरू या चूने से बना सकते हो। सबसे पहले देव उठान, सूरज चांद बने हैं, विष्णु भगवान बने हैं बीच में, ओम स्वास्तिक की इधर 5 देवता और स्वर्ग की सीढ़ी, गाय, गणेश जी, तुलसी का गमला, अष्टदल कमल और परिवार में जितने लोग हैं उतने पैर चरण सबके दो दो पैर दिया है। और नीचे देखिए ये गोल गोल बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये देव उठान बनाया जाता है। इसे माया चक्र भी कहते हैं, जो गोल गोल बनाया। इस पे हम गेहूं रखेंगे। गेहूं आप कितना भी रख सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। तो इधर हमने गेहूं रख दिया है, प्लेट में करके रख दिया। आप चाहे तो सीधे भी रख सकते हैं, जमीन पे भी रख सकते हैं। तो अब हम गेहूं पे रखेंगे संत, कोई भी फल रख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे संतरे ले लिए हैं, संतरे ले रख लें, और सिंघाड़ा और मूली और आंवला ये मेन है, जो तीनों मेरे को नहीं मिल पाए हैं। तो और शरीफा है, इसे भी रख लें। तो जितने प्रकार के फल मिल जाए वो रख लें। केला भी आप जरूर रखें, और आंवला और सिंघाड़ा मूली ये 3 तो आपको जरूर से रखना है, पर मेरे को नहीं मिल पाए हैं इसलिए मैं नहीं रख रहा, पर आपको जरूर लेकर रखना है। साथ में देखिए ये गन्ना है, गन्ना आप जरूर लें। तो ये गन्ने हमने ले लिए हैं, 3 गन्ने के टुकड़े ले लिए हैं। तो एक गन्ना तो हम इस पे रखेंगे, बाकी के 2 पीछे रख देंगे। तो गन्ना ले लिया, और इस पे हम रखेंगे एक दीपक। तो दीपक यहाँ पे हम रखेंगे, घी का आपको दीपक लेना है, सरसों के तेल का नहीं लेना, घी या तिल के तेल का आप दीपक यहाँ पे ले सकते हैं। फिर अब हम धूप भी रख देंगे। अब हम इसको किसी प्लेट के द्वारा ढक देंगे। ढकना किस प्रकार से है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप सब जगह फूल से सजा लें, जो को फूल अर्पित करें, और यहाँ पे आप कोई सी भी मिठाई भी रख सकते हैं अगर आपको मिठाई मिल जाए तो। फूल रखते हैं अच्छी प्रकार से। तो अब हम इसे एक थाली के द्वारा ढक देंगे। कैसे ढकना है मैं आपको बताता हूँ। तो धूप और दीपक को बाहर निकालें और इस प्रकार से थाली से आप इसे ढक लें। ढकने के बाद आप इस पे एक स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक आप जरूर बनाएं इस थाली पे। और फिर आपको इस थाली को मैं बताऊंगा कब उठाना है, शाम के समय आपको इसे उठाना होगा। तो स्वास्तिक बनाने के बाद आप दीपक को प्रज्वलित कर लें और दीपक को साइड में रख लें, और जो दीपक है उसे प्लेट के नीचे रख दें इस प्रकार से। अब मैं आपको बताता हूँ आपको अब देव को कैसे उठाना है। दीपक रखने के बाद आप जो थाली है उस पर थपकियाँ दें ऐसे करके, उठो देव, बैठो देव, उंगलियाँ चटकाओ देव, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस प्रकार से गीत गाएं, और बहुत सारे गीत होते हैं देव उठाने के, वो आपको गीत गाने हैं और देवताओं को उठाने हैं। और इस प्रकार से आप थाली थपकिया दे, सभी परिवार के जो लोग होंगे सभी इसमें सम्मिलित होंगे, और जो प्लेट पे जो काजल बना हुआ है वो सब काजल आप लगा सकते हैं, सब परिवार के लोग। तो इस प्रकार से आपको करना है पूजन देव उठनी एकादशी पर, और देव को उठाना है। तो आप इस प्रकार से अपने घर पे देव को उठाए, और जो देव को उठाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो आप देव को अपने घर पे जरूर उठाए। देव उठाने के बाद आप फिर भगवान जी को जो हमने ये मांडा है इसका पूजन करना है। सभी को तिलक करिए, देवता को गौ माता, गणेश जी, अष्टदल कमल, 5 जो हमने देवता बनाया उनका, तुलसी का गमला, सब्जी जितने भी चीज़ें हमें बनाई हैं सभी का पूजन करें। तो इस प्रकार से आपको, और एक जल का लोटा जरूर रख दें, फूल चढ़ा दें, और भोग में मिठाई जरूर रख दें। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।